गाइस hey कैसे हैं आप सभी लोग बहुत बहुत स्वागत है जीएसटी के केस बेस एमसी के पहले सेशन में आप सभी लोगों का तो जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर हैं आ, पहली बार आप लोग देख रहे हो मुझे आप लोगों को मालूम नहीं कि कल से क्या चल रहा है मैं तो मैं आपको बता देता हूं दिस इज द प्री मैराथन शेड्यूल प्री एग्जाम मैराथन शेड्यूल दैट्स गोइंग ऑन सो so, कल शाम साढ़े पांच बजे मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर आया था इसी यूट्यूब चैनल पर एकाग्रता सी एक यूट्यूब चैनल पर जहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि इन तीन दिनों में आपकी पढ़ाई की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है और मेरा शेड्यूल आप लोगों के साथ क्या होने वाला है तो वंस अगेन यू कैन सी द शेड्यूल ओवर तो कल शाम छह बजे हम लोगों ने इनकम टैक्स के, के केस बेस्ड एमसी डिस्कस किए थे पार्ट वन सेशन था उसका और आज सुबह सात बजे से हम लोग केस बेस्ड एमसी कर रहे हैं इनकम टैक्स का दैट वॉज पार्ट टू राइट वो वाला सेशन आपका हो गया और अब जीएसटी के केस बेस एमसीक्यूज़ लेकर मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूं वंस अगेन अगर आपको चैप्टर वाइज समरी वीडियोस चाहिए या चैप्टर वाइज समरी नोट्स चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आप लोग वहां से देख सकते हो और जितना भी ये प्री एग्जाम मैराथन के नोट्स हैं उसका भी लिंक आपको आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लेट्स गेट स्टार्टेड ठीक है लेट्स गेट स्टार्टेड आओ पहला क्वेश्चन देखते हैं ये एम टीपी मे ट्वेंटी फोर सीरीज वन का क्वेश्चन है मई 24 की एमटीपी सीरीज वन का क्वेश्चन है ये जो भी केस बेस्ड एमसीक्यूज मैं आप लोगों को करा रहा हूं ये मई 24 सितंबर 24 जनवरी 25 तीनों अटेम्प्ट्स के लिए एप्लीकेबल है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है आओ लेट्स गेट स्टार्टेड पहला क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखते हैं जैसा हम लोग हमेशा से करते आए केस के लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले हम लोग पूरा का पूरा केस एक बार पढ़ लेते हैं right? राइट विदाउटन हमें याद है कौन सा प्रोविजन हमें नहीं याद है इन सारी चीजों की परवाह किए बिना हम एक बार पूरा का, पूरा का पूरा केस पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत दिमाग में बैठता है थोड़ा बहुत दिमाग में नहीं बैठता कोई बात नहीं बट जब हम क्वेश्चन को करते हैं तो क्वेश्चन के थ्रू वापस जब हम लोग केसेस को रिविजिट करते हैं तब काफी ज्यादा चीजें हम लोगों को समझ में आनी शुरू हो जाती है ठीक है आओ देखो XYZ Electronics Private Limited is the leading electronics good manufacturing company in Delhi. The company produces a wide range of products, including smartphones, laptops, and home appliances. Sales by the company are mainly through its distributors on the following credit terms: laptops, Pandradinka credit, smartphones, uh, Nabbe din ka credit, other appliances, 45 days ka credit. During the year, the company purchased plant and machinery worth 1 crore rupees exclusive of GST the gsc rate for such planted machinery is by 18% input tax credit on such plant and machinery is not blocked under any provision of the cgsc act 2017 the company is planning to demerge its operations in relation to the smart uh, laptops and other computer accessories from so the next financial year the demerged entity will be a separate legal entity of the company in the form of wholly owned subsidiary of the company having common board of directors Take the company also participates in domestic and international level trade fairs to showcase its products and sales through those events. Electronics Association of Rajasthan is organizing a trade fair in Jaipur. The company is keen to participate in the same. To ensure the GST compliances, the company wants to obtain the GST registration as a casual taxable person in the state of Rajasthan. Bahut baat hai. The company obtained the GST registration as a casual taxable person in the state of Rajasthan with a validity period of 45 days. The company transferred the goods from uh, one of its go-downs in Delhi. One of its go -downs in Delhi to one of the go down in Gujarat, wherein the company has a registered place of business. The value of the goods transferred is five crore rupees, and the rate of GST applicable on such transfer is eighteen percent. Tax invoice was issued, and GST was deposited by the company. However, the consideration was not paid by the Gujarat office of the company to the Delhi office even after one eighty days of the invoice date. Further, there was no reverse movement of such goods from Gujarat go-down to Delhi go-down.

ठीक है बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स राइट अब यहां पर इवन दो स्मार्टफोन के पेमेंट का क्रेडिट आप 90 दिन का दे रहे हो कि मैं अभी स्मार्टफोन आपको दे दूंगा आप 90 दिन बाद पेमेंट कर देना उससे इन वॉयस की इश्यू डेट की टाइम लिमिट पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है राइट right? तो आपको इन कब इश्यू करनी है बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स आओ देखो

ITC of 18 lakh rupees can be claimed and value of asset on which depreciation can be claimed under the provisions of income tax act 1961 shall be 1 crore rupees absolutely correct. ठीक है 1 करोड़ रुपए की मशीन है exclusive of GST है 18% का इस पर जीएसटी है तो 1 करोड़ 18 लाख ठीक है 1 करोड़ 18 लाख मैं अपनी जेब से दूंगा मशीन को खरीदने के लिए अब 18 लाख जो मैंने GST पे किया या तो मैं इसका ITC ले लूं या तो 1 करोड़ 18 लाख पूरी की पूरी वैल्यू पर मैं डेप्रिसिएशन ले लूं

ठीक है आईटीसी क्या कर रहा है एफएमसीजी में भी है टोबैको में भी है और होटल्स में भी है अब आईटीसी क्या प्लान कर रहा है कि होटल्स का डीमर्जर किया जाए उसी तरह से यहां पर क्या हो रहा है ये लैपटॉप है स्मार्टफोन है होम अप्लायसेस है अब ये क्या सोच रहा है कि लैपटॉप्स और बाकी कंप्यूटर एक्सेसरीज है उसके ऑपरेशन को मैं डीमर्ज कर देता हूं ठीक है

कि अब डीमर्जर से जस्ट पहले जो एंटिटी है उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कितने महीनों के लिए कितने कितने दिनों के लिए, कितने साल के लिए लिए या साल उसको मेंटेन करके रखना होगा ठीक है थर्टी सिक्सटी फाइनेंशियल ईयर सेवेंटी टू मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर या सेवेंटी टू मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न फॉर द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर तो ऑप्शन डी इज योर आंसर यहां पर देखना कई सारे लोग गलती करेंगे ऑप्शन सी को मार्क कर देंगे मंथ्स देखते ही ठीक है तो इसलिए आपको पूरे पूरे ऑप्शंस पढ़ने हैं। तो ऑप्शन सी आपका आंसर नहीं होगा नॉट फ्रॉम द ठीक है जिस साल डिमर्जर हुआ जिस साल डीमर्जर हुआ उससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर का जब भी आपने एनुअल रिटर्न डाला उसके बहत्तर महीनों तक आपको ये होल्ड करके रखना होगा नेक्स्ट वैलिटी ऑफ जीएससी रजिस्ट्रेशन एज कैजुअल टैक्सिबल इन स्टेट राजस्थान इज आप ट्रिकी क्वेश्चन कैजुअल टैक्सीबल पर्सन की वैलि के रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी क्या होती है नाइनटी डेज की होती है रॉन्ग एक चीज और होती है कैजुअल टैक्सीबल पर्सन के रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी होती है दो अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग

द कंपनी ऑप्टेन जीएसटी रजिस्ट्रेशन एज ए कैशुअल टैक्सीबल पर्सन इन दफ राजस्थान विद वैलि पीरियड ऑफ फोर्टी फाइव डेज तो इस स्पेसिफिक क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा वो होगा फोर्टी फाइव डेज

स्पेसिफिक केस में रजिस्ट्रेशन 45 डेज के लिए अप्लाई किया था किया था, तो 45 डेज ही आपका आंसर पर आ जाएगा, ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने विच आर ट्रू इन रिलेशन टू द नॉन पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन बाय द गुजरात गोडाउन टू डेली गोडाउन आइए इसको देखते देखो फटाफट से देखो यहां पर द कंपनी ट्रांसफर द गुड्स फ्रॉम वन ऑफ इट गोडाउन इन डेली टू अन गोडाउन इन गुजरात में किया, है? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर किया अपने ही दो अलग अलग एंटिटीज में ट्रांसफर किया क्या इनको डिस्टिंग पर्सन मानेंगे बिल्कुल इनको डिस्टिंग पर्सन मानेंगे क्योंकि डेली में भी रजिस्ट्रेशन है और गोडाउन में और गुजरात में भी रजिस्ट्रेशन है ठीक है अब यहां पर क्या डिस्टिंग पर्सन के बीच में इवन विदाउट कंसिडरेशन अगर ट्रांसफर होता है तो क्या उसको सप्लाई बोला जाता है बिल्कुल उसको supply बोला जाता है, ठीक है बिल्कुल बोला जाता है डिस्टिंग के बीच में डिस्टिंग अगर डिस्टिंग के बीच में ट्रांसफर हो रहा है गुड्स का इवन इफ इट इज है तब भी उसको सप्लाई बोल दिया जाता है राइट right? अब सुनो

और इस पांच करोड़ रुपए पर अट्ठारह परसेंट जीएसटी जमा भी कर दिया गया फुल कंप्लायंस चल रही है फुल कंप्लायंस टैक्स इनवॉयूड एंड जीएसटी द कंपनी हाउ एवर देशन वॉज नॉट पेड बाई द गुजरात ऑफिस ऑफ द कंपनी टू द डेली ऑफिस इवन आफ्टर वन एटी डेज ऑफ द इनवॉइस डेट आपको याद है कि अगर मान लो मैं किसी से सामान खरीदता हूं मैंने पैसा नहीं दिया है लेकिन क्योंकि टैक्स इनवॉय आ चुकी है और उसने जीएसटी जमा कर दिया उसने जब जीएसटी जमा किया तो मेरे GSTR 2A, 2B में रिफ्लेक्ट होने लग गया तो मैंने उसका क्रेडिट ले लिया पर मैंने अभी तक पेमेंट नहीं किया अगर मैंने अभी तक पेमेंट नहीं किया तो क्या होगा अगर मैं 180 एटी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफ इश्यूस तक भी पेमेंट नहीं करता हूं तो मुझे वो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा मुझे वो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा यस yes? ओके okay. However, the consideration was not paid by the Gujarat office. 180 days tak bhi. Further, there was no reverse movement of such goods from Gujarat go down to the Delhi go down. Ab kya hua? Gujarat go down ne na to 180 din tak payment kiya aur na hi goods wapas kiye. To hoga kya? Gujarat go down ko 180 days की expiry के अगले महीने जब वो अपना जीएसटीआर 3B file फाइल करेगी तो जो भी आईटीसी इसने लिया था उसका रिवर्सल करना पड़ेगा राइट right? रॉन्ग एक्चुअली जनरल लॉ ये कहता है कि अगर रेसिपिएंट ने 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं किया supplier को, तो जितना भी ITC उसने इस supply पर किया था, उसको इसे reverse करना होगा। लेकिन इसके तीन एक्सेप्शन हैं। है। पहला एक्सेप्शन क्या है कि अगर रिवर्स चार्ज वाली कोई भी सप्लाई होगी तो उस पर ये 180 डेज वाला रेस्ट्रिक्शन नहीं अप्लाई होगा दूसरा रेस्ट्रिक्शन क्या है कि अगर शेड्यूल वन वाली कोई सप्लाई होगी तो उस पर भी ये 180 डेज वाला रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं करेगा क्या ये शेड्यूल वन वाली सप्लाई है यस, yes, ये शेड्यूल वन वाली सप्लाई है शेड्यूल वन क्या कहता है जीएसटी का जो सीजीएसटी एक्ट का शेड्यूल वन है वो क्या बताता है कि अगर ये चार एक्टिविटीज होती हैं इवन विदाउट कंसिडरेशन तो हम इसको सप्लाई मान लेंगे और उनमें से एक सप्लाई ये भी है कि रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन अंडर सेक्शन ट्वेंटी फाइव के बीच में अगर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं इवन विदाउट कंसिडरेशन तो उसको सप्लाई माना जाएगा तो दिस ट्रांजेक्शन इज अ डीम्ड सप्लाई एज पर शेड्यूल वन टू सीजीएसटी एक्ट और इसीलिए इस पर डेज वाले रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं करेगा ठीक आओ देखो द गुजरात गोडाउन शेल रिवर्स दई आईटीसी अवेल द गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम दिल्ली एंड ऑसो रिक्वॉर्ड पे इंटरेस्ट कंप्यूटेड फ्रम द्रॉम द डेट ऑफ इन्वर्स अगर ये डिस्टिंग सप्लाई डिस्टिंक्ट एंटिटीज के बीच में सप्लाई नहीं होता ना तो ऑप्शन ए ही आपका आंसर होता अगर डिस्टिंक्ट एंटिटीज के बीच में नहीं होता ये शेड्यूल वन वाली सप्लाई नहीं होती तब तो पक्का पक्का ऑप्शन आंसर होता कि भाई आईटीसी लेके बैठे हुए हो पैसा दिए नहीं हो तो आईटीसी को रिवर्स करो इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह सब पे करो लेकिन क्योंकि डिस्टिंक्ट एंटिटी है इसलिए दिस विल नॉट बी दी आंसर गुजरात गोडाउन शैल रिवर्स दी आईटीसी अवेल ऑन द गुड्स ये तो हो गई ना रेस्ट्रिक्शन ऑफ 180 डेज ऑफ द पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन इज नॉट एप्लीकेबल इन द प्रेजेंट केस ऑप्शन सी विल बी योर आंसर आई एम श्योर सबको समझ में आ गया बोलो निश्चय फॉरएवर बोलो निश्चय फॉरएवर निश्चय फॉरएवर बोलो निश्चय फॉरएवर वेरी नाइस आप लोग फटाफट से वीडियो को कर दो लाइक ठीक है एंड uh, जितनों ने भी लाइक नहीं किया है फटाफट से आप लोग वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट केस और नेक्स्ट केस कहा से है एम टीपी मे ट्वेंटी फोर सीरीज टू एम टीपी मे ट्वेंटी फोर सीरीज टू आओ देखो इसको इकोटेक सोल्यशन प्राइवेट लिमिटेड इकोटेक सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इज इंगेज इन द मैनुफेक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ एनर्जी प्रोडक्ट्स एंड सोल्यूशन अक्रॉस मल्टीपल स्टेट्स इन इंडिया Very good. The company manufactures solar panels and also imports certain category of solar panels, solar panels, as per the company customer orders. The company also provides installation services and annual maintenance contracts for its products. The company received an advance payment for a bulk order of goods in March 2024, but the delivery was completed in May 2024. Amount of advance received by the company was 1 crore rupees. During the month of March 24, the company sold goods worth 5 crore rupees and provided services amounting to 1 crore rupees to its customers across India. Goods worth 1 crore rupees sold under multiple invoices were, re were returned by a customer due to defective quality in the month of March 24, which were originally sold by the company in December 23. The company had issued a GST credit note against the returned goods in March 2024. The company incurred an amount of 5 lakh rupees on the repair of the returned goods to make them re uh, resaleable in the market to customers other than a related party further the customers who returned the goods issued an invoice to gujarat unit of the company of 1 lakh rupees for the expense related to the return of goods the goods were initially sold from the gujarat unit of the company but the same were returned to the maharashtra unit of the company and subsequently moved by the company from maharashtra unit to the gujarat unit that is the original place of supply The company is registered under GST in both the states that is Gujarat and Maharashtra. Based on the facts of the case scenario given above, choose the most appropriate answer to the following questions. आइए बहुत ज्यादा तो केस स्टडी ऐसे ऐसे पढ़ के बहुत ज्यादा तो समझ में नहीं आई लेकिन एक एक जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आना शुरू होगा ठीक है तो हम लोगों को समझ में आना शुरू होगा आओ देखो एट वॉट पॉइंट ऑफ टाइम टैक्स विल बी पेबल इन रिलेशन टू दी एडवांस रिसीव बाई द कंपनी ऑफ वन करोड़ रुपीज वाह इतना तो समझ में आ गया था Company received an advance payment for a bulk order of goods in March 2024. Delivery was completed in May 2024. Amount of advance received by the company was 1 crore rupees. Thayke. तो जब गुड्स एक्चुअली सप्लाई होंगे तभी इस एडवांस पर टैक्स दिया जाएगा एक नोटिफिकेशन की की टैक्स तो कोई भी जीएसटी नहीं लगता एडवांस मिलते समय आपको जीएसटी पे करने की कोई जरूरत नहीं है आप जब एक्चुअल सप्लाई करोगे तभी आपको जीएसटी पे करना होगा ठीक तो इन्होंने सप्लाई कब किए इन्होंने मे में, में सप्लाई किए तो, तो इनको मे में करना होगा आओ क्वेश्चन देखते हैं At what point of time tax will be payable? So the tax is payable at the time of receipt of advance. No, the tax is payable at the time of supply of goods. Yes, the tax is payable at the time of supply of goods. Absolutely correct. Absolutely correct. Next question: The total amount of supply during the month of March 2024 to be reported in GSTR one by the company is. Wow. GSTR one me company कितना supply करेगी? ठीक है? कितना supply करेगी? आइए देखते हैं इसको. एक मिनट हाँ जी तो कितना सप्लाई इसको शो करना होगा एक बार देखते हैं कितना कितना क्या क्या हुआ है मार्च 2024 के बारे में बात हो रही है ठीक है मार्च 2024 के बारे में हो रही है तो ड्यूरिंग मंथ ऑफ मार्च 24 द कंपनी सोल्ड गुड्स वर्थ फाइव करोड़ रुपीज एंड प्रोवाइडेड सर्विसन करोड़ रुपीज तो पांच प्लस एक छे हो गया 6 करोड़ इट्स कस्टमर्स अक्रॉस इंडिया द गुड्स वर्थ वन करोड़ रुपीस सोल्ड अंडर मल्टीपल इन्वॉइस वर रिसीवर्न बायमर ड्यू ड्यू टू डिफेक्टिव क्वालिटी इन मार्च 2024. तो रिटर्न हो गया जो रिटर्न हुआ उसको क्यों दिखाया जाएगा वापस पांच आ गई विच वर ओरिजिनली सोल्ड बाई दंपनी इन द मंथ ऑफ डिसंबर 2023 ठीक है तो रिटर्न तो यहाँ पर आ गया ना कंपनी इशूड है जीएसटी क्रेडिट नोटर्न गुड्स इन मार्च ट्वेंटी भाई इससे बेहतर और क्या हो सकता है गुड्स रिटर्न हो गए जीएसटी का क्रेडिट नोट भी इशू कर दिया गया ठीक है गुड्स रिटर्न हो गए और क्रेडिट नोट भी इश्यू कर दिया गया तो पांच करोड़ की सेल हुई एक करोड़ की सर्विस हुई उसमें से एक करोड़ के गुड्स वापस भी आ गए तो नेट सेल्स आपकी कितनी हुई टोटल सेल्स आपकी कितनी हुई टोटल सेल्स आपकी पांच करोड़ रुपए की हो जाए ऑप्शन बी विल बी योर आंसर ठीक है ऑप्शन बी जो है ये आपका आंसर हो जाएगा आई एम श्योर सब को समझ में आ रहा है ठीक है चलो सिंगल क्रेडिट नोट अगेंस्ट मल्टीपल इन्वॉइसिस इशू अट नोट अगेंस्ट इच इनवॉइस कंपनी के नॉट इश्यू क्रेडिट नोट इन एनी सब्सिक्वेंट पीरियड आफ्टर देवूफी है ये तो हटाई दो इसको

क्या मैं कंसोलिडेटेड क्रेडिट नोट बना सकता हूं उन सभी कस्टमर्स को देने के लिए उन सभी डेटर्स को देने के लिए ऑफ कोर्स नॉट तो कमर्शियल क्रेडिट नोट तो मुझे अलग-अलग बनाने ही पड़ेंगे ठीक है कमर्शियल क्रेडिट नोट्स तो मुझे अलग-अलग बनाने ही पड़ेंगे लेकिन जीएसटी के लिए जीएसटी के लिए मैं एक कंसोलिडेटेड क्रेडिट नोट बना सकता हूं ठीक है जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक कंसोलिडेटेड क्रेडिट नोट बना सकता हूं तो कमर्शियल क्रेडिट नोट में अलग अलग बनाऊंगा जीएसटी लॉ में ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको अलग अलग क्रेडिट नोट्स बनाने पड़ेंगे जीएसटी लॉ कहता है आप चाहो तो अलग अलग क्रेडिट नोट बना लो नहीं तो आप एक कंसोलिडेटेड क्रेडिट नोट भी बना सकते हो ठीक है तो कंपनी हैज टू मैंडेटरी इशू क्रेडिट नोट अगेंस्ट ईच एनवॉइस नो कंपनी हैज एन ऑप्शन टू इशू अ सिंगल क्रेडिट नोट अगेंस्ट मल्टीपल यस ठीक है ध्यान रखना जीएसटी का क्रेडिट नोट अलग कमर्शियल क्रेडिट नोट अलग तो जो डेटर्स अलग अलग डेटर्स आपको माल वापस भेज भेज रहे हैं तो उनको तो आपको अलग अलग कमर्शियल क्रेडिट नोट्स बना के देने ही पड़ेंगे लेकिन जीएसटी के पर्पज के लिए आप एक कंसोलिडेटेड क्रेडिट नोट भी बनाकर दे सकते हो क्या ये बात आप सबको समझ में आ गई है ठीक इनकेस रिटर्न गुड्स आर सोल्ड बाई द कंपनी टू द कस्टमर्स अदर रिलेटेड पार्टी वैल्यू ऑफ सच गुड्स अंडर जीएसटी शैल बी वॉट क्या बात है क्या बात है ठीक है अगर जो गुड्स कंपनी को वापस मिले जो गुड्स कंपनी को वापस मिले कंपनी ने उन पे कुछ ना कुछ तो काम किया था ना उनको रीसेलेबल बनाने के लिए हाँ येबल इन दार्केट ऑफ द कस्टमर्स रिटर्न द गुड्स इशूड एंड इन वॉयस गुजरात यूनिट चल रही है तो अलग बात गई तो जो गुड्स वापस मिले उनको मार्केट में अगर दोबारा बेचना है तो उनकी वैल्यू क्या होगी उनकी वैल्यू क्या होगी

जनरली इसने बोल दिया सेक्शन 15 के हिसाब से जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी क्योंकि आप रिलेटेड पार्टीज को नहीं बेच रहे हो अगर आप गुड्स रिलेटेड पार्टीज को नहीं बेचते हो तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होती है ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन वैल्यू वैल्यू होती होती है होती है है क्या प्राइस पेड और पेबल बस बात खत्म ठीक तो अगर रिलेटेड पार्टीज को नहीं बेचा जा रहा है तो सेक्शन फिफ्टीन के हिसाब से वैल्यू डिटर्मिन की जाएगी बात खत्म आओ देखो इसको देखते हैं विच ऑफ द फॉलोविंग ऑप्शन ठीक है विच ऑफ द फॉलोविंग ऑप्शन इन रिलेशन टू द इनवॉयस एक्सपेंसिज रिलेटेड गुड्स क्या चीज थी फर्दर दस्टमर्सूड एन इन टू गुजरात लाख रुपीज फॉर एक्सपेंस रिलेटेड टू द रिटर्न गुड्स अब सुनो मेरी बात कंपनी ने कस्टमर्स को माल बेचा कस्टमर्स ने माल वापस किया जब कस्टमर्स ने माल वापस किया तो कस्टमर्स ने एक लाख रुपए का एक एक्सपेंस का बिल भी जनरेट कर दिया एक लाख रुपए का एक्सपेंस का बिल भी जनरेट कर दिया तो इन कस्टमर्स ने गुड्स वापस किए इन कस्टमर्स ने गुड्स वापस किए और इन्होंने कहा कि भैया गुड्स वापस करने का हमारा बहुत खर्चा हो रहा है तुम हमको एक लाख दो तो अब कंपनी इन कस्टमर्स को एक लाख रुपए देगी कंपनी इन कस्टमर्स को एक लाख रुपए देगी अब आप मुझे एक बात बताओ कंपनी ने यह पेमेंट किया होगा कस्टमर्स को इस पेमेंट पर जीएसटी भी लगा होगा क्या कंपनी इस वाले जीएसटी का क्रेडिट ले 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 सकती 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 है ले सकती है है ऑफ ऑफ कॉस्ट कॉस्ट कस्टमर्स ने कंपनी को गुड्स वापस किए और कस्टमर्स ने कहा कि हमारा बहुत खर्चा लग गया लाओ एक लाख रुपए दो तो कंपनी इज पेइंग वन लाख रुपीज और जीएसटी का फंड तो है कि अगर कंपनी कुछ भी पैसा दे रही है पैसा देने पर जो भी जीएसटी वो दे रही है उस जीएसटी का उस जीएसटी का क्रेडिट ले सकती है अगर वो इन द कोर्स ऑफ फर्दर ऑफ बिजनेस है तो ठीक है तो जो कंपनी ने कस्टमर्स को एक लाख रुपया दिया भले ही वो कुछ परचेज नहीं किया लेकिन कंपनी ने बिजनेस के सेंस में कस्टमर्स को कुछ तो पैसा दिया इन द कोर्स ऑफ फर्दर ऑफ बिजनेस कस्टमर्स को कुछ पैसा दिया और इस पैसे पर जीएसटी लगा तो इस जीएसटी का क्रेडिट वो ले सकती है बिल्कुल ठीक है तो क्या है

आओ इस केस का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइल्ड मूविंग गुड्स टू कंपनी महाराष्ट्र से गुजरात बाय रिटर्निंग कस्टमर टू द गुजरात यूनिट ऑफ द कंपनी इनवॉइस बाय महाराष्ट्र यूनिट टू द गुजरात यूनिट ऑफ द कंपनी या डिलीवरी चालान इशूड बाय द कस्टमर टू द कंपनी अब बताओ अब देखिए एक नया यहां पर सवाल खड़ा होता है अब यहां पर एक नया सवाल खड़ा होता है इसके लिए हमें एक बार केस को फिर से समझना होगा आइए देखते हैं आओ देखो कंपनी ने दिसंबर 2023 में ठीक है ओरिजिनली सोल्ड बाय द कंपनी इन दिसंबर 2023, और ये जो गुड्स हैं जो कस्टमर्स ने भेजे थे

डिसेंबर 2023 में राइट right? कस्टमर्स ने महाराष्ट्र यूनिट को रिटर्न कर दिया कंपनी ने महाराष्ट्र यूनिट को रिटर्न कर दिया यही बात हुई यहां पर फर्दर ये देखो द गुड्स वर इनिशियली सोल्ड फ्रॉम द गुजरात यूनिट ऑफ द कंपनी

महाराष्ट्र यूनिट से गुजरात यूनिट में गुड्स का मूवमेंट करवाया सवाल यह पैदा होता है कि जब महाराष्ट्र यूनिट से गुजरात यूनिट पर सामान मूव करवाया जाएगा सामान भेजा जाएगा तो फिर ये इसके साथ क्या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह होगा ना क्या महाराष्ट्र यूनिट एक इनवॉइस जनरेट करके देगी क्या होगा डिलीवरी चाला क्या होगा क्या ये पूछा जा रहा है ठीक है सिंपली ये पूछा जा रहा है कि जब महाराष्ट्र यूनिट से गुजरात यूनिट में सामान भेजा जाएगा तो कौन सा डॉक्यूमेंट साथ में होगा आओ देखो ओरिजिनल इनवॉइस इश्यूड इन डिसेंबर 2023 इसका कोई सेंस नहीं है ठीक है डिसेंबर 2023 में जो ओरिजिनल इनवाइस इश्यू हुई थी उसका क्या सेंस है कोई सेंस नहीं है इनवॉइस इश्यूड द रिटर्निंग कस्टमर टू द गुजरात यूनिट ऑफ द कंपनी जो रिटर्निंग कस्टमर्स है उन लोगों ने एक लाख रुपए का बिल बनाकर दिया था ना कि तुम्हें गुड्स वापस भेजने में हमें इतना सारा खर्चा हो गया अलाओ हमें पैसा दो तो वो वाला पैसा होगा क्या वो वाली इनवॉइस क्या महाराष्ट्र से गुजरात में गुड्स भेजने के लिए अटैच करके दोगे कोई मतलब नहीं है उसका इसको भी हटाओ इन वॉयस बाई महाराष्ट्र यूनिट टू द गुजरात यूनिट द कंपनी दिस इज दी दैट मेक सेंस दिस इज दी थिंग दैट मेक सेंस सुनो डिलीवरी चालान डिलीवरी <coughs> चालान कई लोगों के मन में डिलीवरी चालान आ रहा होगा करेक्ट करेक्ट डिलीवरी चालान करेक्ट तब होता अगर महाराष्ट्र यूनिट एक डिलीवरी चालान इशू करके गुड्स के साथ भेजती कि भाई ये गुड्स गुजरात यूनिट में भेजने हैं डिलीवरी चालान कब इशू किया जाता है जब अदर दैन सप्लाई के, के केस में आपको गुड्स भेजना होता है ठीक है यहां महाराष्ट्र यूनिट से जब गुजरात यूनिट में गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं पहली बात तो यह सप्लाई आ जाएगा शेड्यूल वन के हिसाब से डीम सप्लाई हो जाएगी ठीक है प्लस अगर मान लो डिलीवरी चालान होना भी है तो फिर महाराष्ट्र यूनिट डिलीवरी चालान इशू करेगी ना यहां पर क्या बोला हुआ है डिलीवरी चालान इशूड बाय द कस्टमर टू द कंपनी कस्टमर ने जो डिलीवरी चालान इशू किया हुआ है उससे कंपनी का क्या लेना देना तो ये भी आपका आउट हो गया ठीक है तो इशूड बाय महाराष्ट्र यूनिट अगर इनवॉइस महाराष्ट्र यूनिट इशू करके देती है गुजरात यूनिट को तो वो वाली इनवॉइस इस द, जो मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा फ्रॉम तो महाराष्ट्र यूनिट टू तो द गुजरात यूनिट उसके साथ ये वाली इनवॉइस अटैच की जाएगी आई एम श्योर सब को समझ में आ गया बोलो निस्टेयर फॉरएवर ठीक है तो काफी शानदार केस था ये मे 24 के एमटीपी की सीरीज 2 का ये सवाल आपके सामने था ठीक है आइए let's move on to the next question mtp may 2023 series 1 let's see purva logistics a goods transport agency goods transport agency is registered under gst it did not exercise the option to itself pay gst on services supplied by it in the preceding financial year it provided goods transport services taxable at 5% it provided goods transport services taxable at 5% of the following persons in february of the preceding financial year Gunal Traders an unregistered partnership firm Mr Amar who is not registered under GST Small Traders Cooperative Society registered under Societies Registration Act In a particular consignment in March of the preceding financial year Purva Logistics transported the following defense equipments railway equipments organic manure Purva Logistics exercises the option to itself pay GST on services supplied by it at 12% from April of the current financial year ठीक है पिछले साल तक पांच परसेंट के रेट पर जीएसटी लग रहा था खुद नहीं पे कर रही थी आरसीएम लग रहा होगा ठीक है लेकिन इस साल से फॉरवर्ड चार्ज लग बारह परसेंट से खुद से देने की बात कर रही है इट प्रोवाइडेड गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस टू बाइवेटेड एप्रिल एंड ऑन सिक्स में बेस्ड ऑनफॉर्मेशन प्रोड चूज अट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन

अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है तो नहीं होता ठीक है लेकिन होता क्या है लॉ लॉ कहते हैं सर्विस सप्लाई कर रहा है और वो फॉरवर्ड चार्ज मेनिज में जीएसटी पे नहीं कर रहा है तो जो स्पेसिफाइड रेसिपियंट है उनको रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना पड़ेगा ठीक है उसमें से एक ही आ जाती है पार्टनरशिप फॉर्म इंक्लूडिंग एल एल पी वेदर रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड ठीक है है ये ये आ जाता है, तो तो ऑप्शन ए मतलब सॉरी ट्रेडर्स को जीएसटी रिवर्स चार्ज में पे करना ही करना पड़ेगा मिस्टर अमर हु इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी ये अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल है तो अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल को बिल्कुल भी जीएसटी रिवर्स चार्ज में पे करने की आवश्यकता नहीं है स्मॉल ट्रेडर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी विच इज अ रजिस्टर्ड को जीएसटी पे करना होगा ठीक है तो किनको किनको करना होगा ट्रेडर्स और स्मॉल ट्रेडर्स वन एंड थ्री ऑप्शन सी इज योर आंसर ठीक है ऑप्शन सी जो है, है. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डैश बाई पूर्वा लॉजिस्टिकॉम जीएसटी ठीक है तो अब आओ इसको देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वॉट विल्विपमेंट ये रेलवे इक्विपमेंट रेलवे इक्विपमेंट अब टैक्सेबल हो गया है ठीक है रेलवे इक्विपमेंट किसी टाइम पर एग्जेप होता था लेकिन अब ये टैक्सेबल हो गया है ऑर्गेनिक मनोवर अभी भी एग्जेम है तो वन एंड थ्री विल बी योर आंसर वन एंड थ्री विल बी योर आंसर ठीक है वन एंड थ्री ये आपका आंसर हो जाएगा आओ इधर देखते हैं

प्रोवाइडेड गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस टू बामा स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो इशू आपकी कब हो जानी चाहिए 30 दिन के अंदर अंदर ठीक है डेट ऑफ इश्यू इन वॉयस आपकी कब होनी चाहिए अगर तीस दिन के अंदर अंदर आपने इन वॉयस कर दी तब तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा इन वाली डेट हो जाएगी लेकिन अगर तीस दिन के अंदर अंदर आपने इन वॉयस इश्यू नहीं की तो फिर क्या हो जाएगी डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस ठीक है तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस या तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच इज अर्लियर सिंपल बात हो गई क्या होता है इश्यू ऑफ इनवॉयस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच इज अर्लियर अगर इनवॉयस टाइमली इशू हो गई है तो अगर इनवॉयस टाइमली इशू नहीं हुई है तो प्रोविजन ऑफ सर्विस या रिसीट ऑफ पेमेंट विच इज अर्लियर यही होता है अब होने का क्या क्या मतलब है है? कि प्रोविजन के के दिन अंदर अंदर हो जानी चाहिए। पर 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 आप लोग को दी और फिफ्थ मे को इन इशू की क्या इनवॉय तीस दिन के अंदर अंदर इशू हुई है नहीं तो फर्स्ट रिसीट ऑफ अर्लियर पेमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं है तो फर्स्ट सप्लाई टाइम ऑफ सप्लाई एम श्योर सब समझ में आ गया तो एक केस हम लोगों का और निपटाउजेंड ट्वेंटी फोर की आर टीपी का यह प्रश्न ये रहा आपके सामने एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन दर्द इट है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात एंड इज रजिस्टर्ड इन ईच ऑफ दी स्टेट्स Alright, very good. Baat Moreover, ABC Limited owns and operates a hotel in Udaipur, Rajasthan. In addition to the aforesaid, ABC Limited owns a commercial space which is rented out to a registered person at a monthly rent of 50,000 rupees. The maintenance of the premises is the responsibility of ABC Limited. In pursuance of the same, during the month of April, ABC Limited incurred certain expenses on the purchase of maintenance related materials. The said, expenses were, uh, the said expenses are recoverable from the tenant alongside uh, along with the invoice issued for the rent. The said expenses are recoverable from the tenant along with the invoice issued for rent. The rate of tax applicable on the material used for maintenance was 5%. During the year, ABC Limited agreed to provide the hotel to Mr. X for, uh, for a business conference to be held at Udapur. Mr. X is an unregistered person residing in Maharashtra abc limited made a supply of machinery in the month of june, the details of which are as follows. basic price of the machinery before tcs under income tax act is 45000 rupees. tax collected at source under income tax is 2500 rupees. it received a subsidy of 3500 rupees from green foundation limited for usage of green energy and subsidy was linked to the units of the energy saved and not aforesaid machinery. okay? In addition to the aforesaid transactions, ABC Limited spent an amount of 5 lakh rupees on the procurement of certain goods which were distributed as part of the corporate social responsibility expenditure required under the provisions of the Companies Act 2013. During the scrutiny proceedings in the state of Gujarat, jurisdictional GST officer asked ABC Limited to submit the copy of audited financial statements for Gujarat and was of the view that ABC Limited is required to get his accounts audited by STA separately under GST law for filing annual return and reconciliation statement in each state. All the above amounts are exclusive of GST wherever, uh, wherever applicable. The rate of GST on all inward and outward supplies is 18% unless otherwise mentioned. Assume that there is no other outward or inward transactions apart from the aforesaid transactions. Based on the facts of the case scenario given above, choose the most appropriate answer to the questions below. For the transaction related to renting of commercial space, what should be the rate of tax charged by ABC Limited? Renting ke liye kya hona chahiye. So all the above amounts are exclusive of GSC. The rate of GSC in all inward and outward supplies is 18% unless otherwise mentioned. ठीक है तो जो कमर्शियल स्पेस की इन्होंने रेंटिंग की है जो कमर्शियल स्पेस की इन लो, इन लोगों ने इन्होंने रेंटिंग की है क्या उस पर जीएसटी का कुछ दिया हुआ है इन एडिशन टू कमर्शियल स्पेस दिया पचास हजार पर उसको रेंट किया हुआ है ठीक है ये जो पांच परसेंट का क्या दिया है द रेट ऑफ टैक्स द द रेट एप्लीकेबल ऑन मटेरियल यूज फॉर मेंटेनेंस वाज फाइव परसेंट बेसिकली है क्या जो कमर्शियल स्पेस की मेंटेनेंस के लिए इन लोगों ने रिलेटेड मटेरियल परचेस किया है ये दिया हुआ है ना यह दिया हुआ है तो so, जो materials को purchase किया है उस पर जीएसटी 5% का है सवाल ने हम लोगों से पूछा है जो रेंटिंग ऑफ कमर्शियल स्पेस है उस पर GST कितना लगेगा? तो उस पर तो जीएसटी जाहिर सी बात है कितने का लगेगा उस पर जीएसटी साफ साफ 18% के रेट से लगेगा ठीक है तो the rate of GST on rent and maintenance material related recovery will be 18 percent. ठीक है? तो यहाँ पर uh, 18 percent का rate आपका हो जाएगा. Option A is your answer. Compute the value of supply under Section 15 uh, 15 of the CGST Act 2017 made by ABC Limited in the month of June. Okay. Value of supply निकालते हैं. June महीने में इन्होंने ये ये supply दिया है. Okay. Now let's say. बेसिक प्राइस ऑफ द मशीनरी बिफोर TCS कितना आया 45,000. फाइव थाउजेंड वेरी गुड प्राइस तो लेंगे ही लेंगे टैक्स कलेक्टेड सोर्स ढाई हजार क्या होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं टीसीएस तो टीसी कलेक्शन होता है ना टैक्स में, में आपको मिल है। तो हमारी, हम लोगों ने क्लास में भी टीसीएस कलेक्ट किया, कि किया जाता है वो वैल्यू में एड थोड़ी होता है टैक्सेस एड होते हैं लेकिन जो टीसीएस है वो तो टेम्परेरी नेचर का टैक्स है ना बाद में रिवर्स हो जाता है तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो दिस इज नॉट समथिंग टू द गवर्नमेंट फॉर इन

तो जो भी जहां पर भी सप्लायर रजिस्टर्ड है वो हो जाएगा लेकिन इसके बहुत सारे एक्सेप्शन और इनमें से एक एक्सेप्शन ये होटल वाला था और यहां पर हमने क्या बात की थी <laughs> कि अगर होटल वाली सर्विसेज कहीं पर दी जा रही हैं तो जहां पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ठीक है जो टैक्स पे किया जाता है वो सीजीएससी एसजीएससी लगता है कब अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में हो यहां पर अब आप एक बात बताओ लोकेशन ऑफ सप्लायर राजस्थान में लोकेशन ऑफ सप्लायर राजस्थान में है प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान होटल यहीं पर तो है प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान ठीक है प्लेस ऑफ सप्लाई इज राजस्थान एबीसी लिमिटेड अग्री टू प्रोवाइड द होटल टू मिस्टर एक्स फॉर अ बिजनेस कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन उदयपुर राइट तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गई जहां पर होटल सिचुएटेड है राजस्थान लोकेशन ऑफ सप्लायर राजस्थान स्टेट ट्रांजेक्शन हो गया

ऑप्शन सी जो है ये आपका आंसर आ गया है sure सब समझ में आ गया बोलो निश फॉर ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शनबिलिटी ऑफ आई टीसीबी लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ जीएसटी पेडक्योरमेंट ऑफ गुड्स में पर्पज ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी ओके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या इन द कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है साफ साफ जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का एक रूल है और वो रूल ये है कि अगर आप जो गुड्स खरीद रहे हो वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस आप उसको यूज करोगे तभी आप वो वो खरीद दे, उस खरीद उस पर जीएसटी जो पे करते हो उसका क्रेडिट आप ले सकते हो अदरवाइज आप नहीं ले सकते ठीक है तो अगर आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में गुड्स को यूज कर रहे हो तो वो इन द कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो हो नहीं गया अच्छी बात है लेकिन वो इन द कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं हुआ तो उस पर आईटीसी आपको नहीं मिलेगा

सबमिट द कॉपी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर गुजरात ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ये तो स्क्रूटनी प्रोसीडिंग ऑडिटेडियल स्टेटमेंट की कॉपी सबमिट करने के लिए ऐसे थोड़ी होता है फॉर फाइलिंग एन्युअल रिटर्न एंड रेकिलियन स्टेटमेंट इन ईट स्टेट Annual return और और के लिए से 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 को फिर से audit कराने की की जरूरत है है क्या GST में? नहीं आप annual return करते हो और उसके साथ अगर 5 करोड़ से 5 करोड़ का ऊपर आपका वो होता है, तो फिर आप एक सेल्फ सर्टिफाइड स्टेटमेंट फाइल करते हो ठीक है आप एक सेल्फ सर्टिफाइड स्टेटमेंट फाइल करते हो अगर आपका टर्नओवर ओवर पांच करोड़ को क्रॉस करता है तो ठीक है अगर टर्न ओवर पांच करोड़ क्रॉस करता है तो आप एक सेल्फ सर्टिफाइड रेक स्टेटमेंट फाइल करते हो तो यहां पर ये जो ये जो ऑफिसर है, है कह रहा है कि फिर से कराओ, फिर से कराओ, गलत है सेपरेट ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम दर्पेक्टिव ऑफ जीएसटी करेक्ट ऑप्शन ए इज योर आंसर एम श्योर सबको समझ में आ गया मजा आ रहा है आई होप समझ में आ रहा है मजा आ रहा है एक साथ बहुत सारी चीजें जो मैं हमेशा से बोलता रहा हूं कि केस बेस्ड एमसीक्यूज के थ्रू रिवाइज करना बेस्ट होता है क्योंकि आप एक साथ बहुत सारी चीजें रिकॉल कर पाते हो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एम टीपी नोवर ट्वेंटी थ्री सीरीज वन का सवाल मिस चंचला इज अ डॉक्टर मिस चंचला इज अ डॉक्टर रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी एज अ मंथली रिटर्न फाइलर हैविंग इन पेशेंट है इन हर हॉस्पिटल शी अबेल इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज फ्रॉम हर स्पाउस विदाउट एनी कंसिडरेशन बींगीरियर डेकोरेशन सर्विसेज ले ली रिलेटेड पार्टी से सर्विसेज ले ली ओके शी ऑल्सो अवेल्ड आई टी रिलेटेड सर्विस इन लॉ विदाउट एनी कंसिडरेशन राइट अच्छा अपनी सिस्टर इन लॉ से ली क्या सिस्टर इन लॉ रिलेटिव होंगी

sister-in-law to kahisa biniati. both services were for the purpose of her profession. take. ms. chanchala provided treatment of various diseases in her hospital and apart from that she also provided the following services in her hospital. plastic surgery to enhance the beauty of the face. ambulance service for transportation of patients. renting of space to run medical store in the hospital premises. She is also a consultant in other hospitals and received 40 lakh rupees as consultancy fee from the other hospitals. Further, she also provides canteen facility and received 55,000 rupees from inpatients, 35,000 rupees from patients who are not admitted, and 25,000 rupees from visitors for the same facility. She filed GSCR 3B for the month of June with some errors. She filed the annual return for the said financial year on 31st October of the next financial year, whereas due date for the said annual return is 31st December of the next financial year. Proper officer of the department has cancelled the registration certificate of Ms. Chanchala moto on 31st of July. Matao. Order of cancellation was served on 5th of August. However, she applied for revocation of the same and got her registration restored back. Very nice. All the amounts given above are exclusive of taxes wherever applicable. All the supplies referred above are intrastate unless specified otherwise. From the information given above, choose the most appropriate answer for the following questions.

तो कैंसिलेशन का ऑर्डर कब आया प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट एट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ मिसेस मिस ऑफिसेशन वो सर्व ऑन ठीक है तो कैंसिल किया गया थर्टी फर्स्ट जुलाई लेकिन ऑर्डर कब आया ऑर्डर आया फिफ्थ ऑगस्ट तो जिस दिन ऑर्डर आया उसके तीस दिन के अंदर अंदर आप रेबोकेशन के लिए अप्लाई करो तो आप सिक्स से काउंटिंग करना स्टार्ट करोगे फिफ्थ को तो आ गया तो सिक्स वुड बी द फर्स्ट डे वुड बी द सेकंड डे एंड सो ऑन कैलकुलेटर तो देवता जरा प्रकट हो ना बेटे अरे भाई भाई तुम जाओ से तुम चलो एक काम करो ऐसे हो जाओ और अब जाओ यहां से ठीक है तो कैलकुलेटर देवता की मदद लेते हैं हम लोग तो अगस्त में कितने दिन फिफ्थ अगस्त को आ गया ना तो थर्टी वन माइनस फाइव छब्बीस दिन अगस्त के हो गए और फिर चार दिन सितंबर के

यह दिया है शी फाइल जीएसआर थ्री बी जून शी फाइल दी द सेट फाइनेंशियल ईयर ऑन थर्टी फर्स्ट ऑक्टोबर ऑन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ठीक है ड्यू डेट कब की थी ड्यू डेट कब की थी ड्यू डेट थर्टी फर्स्ट डिसंबर की थी ड्यू डेट थर्टी फर्स्ट डिसंबर की थी ठीक है तो ड्यू डेट अगर थर्टी फर्स्ट डिसंबर की थी और फाइल ये कर दिया फाइल कब कर दिया तो मैक्सिमम टाइम आपका क्या होगा मैक्सिमम टाइम आपका क्या हो जाएगा मैक्सिमम टाइम थर्टीएथ नवंबर ना मैक्सिमम टाइम फॉर रेक्टिफिकेशन एरर कमिटेड इन द मंथली रिटर्न है या तो नवंबर विल बी योर आंसर थर्टीएथ नवंबर ठीक है थर्टीए नवंबर जो है यह आपका आंसर हो जाएगा एक्चुअली नहीं

तो आप रेक्टिफिकेशन कब तक कर सकते हो या तो थर्टीएथ नवंबर तक या तो थर्टी फर्स्ट अक्टूबर थर्टी फर्स्टोबर थर्टी फर्स्टोबर ऑप्शन सी विल योर आंसर ठीक है ऑप्शन सी विल बी आंसर थर्टियथ नवंबर या फिर थर्टी फर्स्ट अक्टूबर क्योंकि एनुअल रिटर्न थर्टी फर्स्ट अक्टूबर तक फाइल हो चुका है एनी एनीवे anyway, तो क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर आंसर हो हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन सी सी ठीक है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर का चलो आ जाओ <coughs> पर आते प्लास्टिक सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी टू एनहांस नहीं है एंबुलेंस सर्विस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट एक्सेंट है रेंटिंग ऑफ स्पेस टू रन मेडिकल स्टोर इन द हॉस्पिटल मेडिकल मेडिकल स्टोर चलाने के लिए आप कमर्शियली रेंट कर रहे हो तो इसमें कोई मेडिकल वाली चीज तो है नहीं आप एक रेंटिंग दे रहे हो रेंट रेंटिंग इज ऑलवेज टैक्सेबल कंसल्टेंसी सर्विस बाय मिस चंचला इन अदर हॉस्पिटल्स ये आपका एग्जाम ऑप्शन सी इज योर आंसर ठीक है टू तो और, 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 तो और फोर है तो ऑप्शन सी जो है ये आपका आंसर आ रहा है आई एम श्योर सब समझ में आ गया है बोलो निश्चय फॉरएबल बोलो निश्चय फॉरएबल ठीक चलिए एमटीपी नवंबर 2023 सीरीज 2 एमटीपी नवंबर 2023 सीरीज 2 का सवाल हम लोग यहां पर देखते हैं ठीक है आओ फटाफट से देखते हैं इसको दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 Messrs. Neilkant uh, Messrs. Neil and Company, a registered supplier under GST, a registered supplier under GST, is dealing in supply of taxable goods in the state of Karnataka. Okay. The firm had opted for a composition scheme from April month of last financial year. Its turnover crossed 1.5 crores on 9th May of the current financial year, and had opted for withdrawal of composition scheme on the said date. Neelkant and company removed goods on 10th June for delivery to Chandra and company on sale or return basis. Chandra and company accepted the goods by its confirmation mail dated 15th December. Firm had paid GST for various items during the month of August. It comprised the following. GST paid on input services intended to be used for personal purposes, 12,000. GST paid on purchase of motor vehicle for business use being a two-wheeler having engine capacity of 25cc, 9,000. GST paid on purchase of computer 19,000. GST portion was included as part of the cost to claim depreciation under the Income Tax Act 1961. During May, Neelkant and Company had reversed ITC of 10,000 rupees for not making payment to vendors within the time prescribed under CGST Act 2017. This pending payment was cleared in the month of August. Out of the purchases made in ITC availed during the earlier months, the following information is made available on September XYZ, payment is due. For 165 days, payment is due for 165 days. Related ITC component, ABC 199 Pandra, PQR 99 B Sadar. Company received accounting services from Raghu and Company, an associated enterprise located in Sri Lanka. Raghu and Company issued invoice for the service on 1st September, which was entered by neil and Company in the books on 10th October, but payment was made on 30th September.

जब आप कॉम्पोजिशन स्कीम से नॉर्मल स्कीम में आते थ्रेशोल्ड तो अंदर -अंदर क्रॉस तो हुआ करोड़ रुपीज का थ्रेशोल्ड नाइन्थ मे को क्रॉस हुआ तो नाइन्थ मे से 30 दिन तो टेंथ मे से काउंट करना शुरू करेंगे तो थर्टी वन किया बाईस दिन मे के आ गए और उसके बाद प्लस एट तो

अर्लियर ऑफ द फोन या तो बायर जब कंफर्म मतलब कर दे रिमूव किए महीने के बाद छह महीने की डेट जब खत्म हो तब आप इशू कर दो ठीक तो सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस कब हुआ है ये रहा।

उस मोटर व्हीकल को आप ड्राइविंग सिखाने के लिए यूज कर रहे हो या आप उस मोटर व्हीकल को आगे बेचने के लिए यूज कर रहे हो राइट मोटर व्हीकल की वहां पर जो डेफिनेशन है ना वो वहां पर लिखा हुआ है उस सेक्शन 175 में नहीं लिखा है लेकिन जीएसटी के सेक्शन 276 में मोटर व्हीकल की डेफिनेशन लिखी है बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना जीएसटी एक्ट के सेक्शन 276 में मोटर की एक्ट लिखी हुई है और वहां पर बोला हुआ है कि मोटर व्हीकल शेल है सेम मीनिंग एज असाइंड टू इट इन ट्वेंटी एट ऑफ द मोटर व्हीकल्स एक्ट ध्यान से सुनना थोड़ी सी खिचड़ी है यहां पर ठीक है जीएसटी का सेक्शन टू सेवेंटी सिक्स कह रहा है कि मोटर व्हीकल की वही डेफिनेशन होगी जो सेक्शन टू ट्वेंटी एट में है ऑफ द मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 तो 1988 का जो मोटर व्हीकल्स एक्ट है उसके सेक्शन 228 में जो मोटर व्हीकल की डेफिनेशन है वही डेफिनेशन जीएसटी के भी मोटर व्हीकल के लिए हो जाएगी ठीक है और यहां पर बोला गया है कि मोटर व्हीकल जिसके चार पहिए से कम है या जिसकी इंजन कैपेसिटी 25 सीसी से ज्यादा नहीं है उसको हम मोटर व्हीकल नहीं मानेंगे ठीक है ऐसी मोटर वेकल विच देन फोर व्हील्स एंड हैज लेस देन इक्वल टू ट्वेंटी फाइव ऑफ इंजन राइट अगर ऐसी कोई मोटर व्हीकल है जिसके चार पहिए से कम है और जिसकी पच्चीस सीसी की क्यूबिक पच्चीस सीसी से इंजन कम है पच्चीस सीसी की कम है, इसको मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मोटर व्हीकल नहीं माना गया है अगर इसको मोटर व्हीकल नहीं माना गया है तो जीएसटी में भी इसको मोटर व्हीकल नहीं माना गया है ठीक है तो सेक्शन सेवनटीन फाइव क्या कह रहे हैं तो है तो है आप लोग जीएसटी के एक्ट ने क्या कहा सेक्शन 17.5 ने कि अगर आप मोटर व्हीकल को खरीदते हो तो जीएसटी ब्लॉक है और जीएसटी एक्ट क्या कहते मोटर व्हीकल का क्या मतलब है जो इस एक्ट के अंदर है यह वाला एक्ट क्या कह रहा है कि जिस मोटर व्हीकल के चार पहिए से कम है और क्यूबिक कैपेसिटी पच्चीस सीसी से कम है इंजन कैपेसिटी पच्चीस सीसी से कम है वो मोटर व्हीकल है ही नहीं तो अगर ये मोटर व्हीकल ही नहीं है तो क्या इसका क्रेडिट ब्लॉक हो सकता है नहीं इसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा इस रुपीस का क्रेडिट आपको मिल जाएगा ठीक है जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ कंप्यूटर नाइनटीन थाउजेंड जीएसटी पोर्शन को कॉस्ट में कर दिया था डेप्रिसिएशन uh, क्लेम करने के लिए ना ना

जो पेंडिंग पेमेंट था उसको आपने वापस कर दिया तो क्या अब आप इस दस हजार के आईटीसी को फिर से क्लेम कर सकते हो क्लेम कर सकते हो तो ये आप नौ हजार का क्लेम ले सकते हो और ये आप दस हजार का क्लेम ले सकते हो टोटल नाइनटीन थाउजेंड रुपीज का क्लेम आप ले सकते हो ठीक है एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट कितने है? का है एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका नाइनटीन का आ गया है मोटर व्हीकल वाला पॉइंट मस्ताना यहाँ पर रिवर्स करना पड़ेगा ठीक है कौन कौन सा आई टी सी आपको रिवर्स करना पड़ेगा आइए देखते हैं इन इन सप्लायर्स को जो पेमेंट है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है एक्स वाई जेड को एक सौ पैंसठ दिनों से पेमेंट पेंडिंग पड़ा हुआ है इसके आई टीसी को रिवर्स करने की कोई जरूरत नहीं है

सप्लायर है, इनका पेमेंट ड्यू है सिर्फ नाइन डेज का तो रिवर्स तो right? तो करने की कोई आवश्यकता नहीं है तो पंद्रह हजार रुपए का आई टीसी रिवर्स करना होगा नेक्स्ट टाइम ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज इंपोर्टेड बाय नीलकंठ एंड कंपनी फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइज जब आप एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस थे जब आप एसोसिएटेड एंटरप्राइज से सर्विसेज लेते हो तो फिर टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलता है टाइम ऑफ सप्लाई निकलता है डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर ठीक है डेट ऑफ एंट्री या तो डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर एसोसिएटेड एंटरप्राइज जो इंडिया के बाहर है यहां पर इन्होंने अपनी श्रीलंका की एक एसोसिएटेड एंटरप्राइज से सर्विसेज लिए ये देखो

Earlier हो जाएगा थर्टीथ सितंबर ऑप्शन बी इज योर आंसर आई एम श्योर सब समझ में आ रहा है बोलो yes. बढ़िया <coughs> मजा आ रहा है चलो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया आओ सर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन ठीक है तो हर केस स्टडी के अभी तक हम केस स्टडीज हम लोग कर चुके हैं एंड हर केस स्टडी के लगभग लग चार पांच या छह इस टाइप के थे ऑन एन एवरेज अगर हम पांच क्वेश्चन भी मान लें हर केस स्टडी के तो टू डन थर्टी आओ देखो मे ट्वेंटी थ्री सीरीज टू एम टी पी मिस इज इंगेज इन प्रोवाइडिंग वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज वेरी नाइस मिस रिया इज इंगेज इन प्रोवाइडिंग वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज She got registered under GST in the month of April of the current financial year under regular scheme. <clears throat> she supplied a package to dhruv Traders consisting of a stapler, calculator and charger at a single price of 300 rupees in the month of May. Rates of GST for stapler, calculator and charger are 5%, 12% and 18% respectively. She received the following payments during the month of May. Earned 6 160000 rupees by performing western music in cultural event at a resort.

है दूसरी केस स्टडी लेकिन उसके अंदर यह वाला पोर्शन जोड़ दिया गया शी अ सब्सिडी ऑफ थ्री फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड फॉर ऑफ 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 ग्रीन एनर्जी एनर्जी एंड एंड सब्सिडी टू नॉट प्रोडक्ट ठीक है तो केस स्टडी डिफरेंट है लेकिन इस केस स्टडी के अंदर एक ये वाला जो पॉइंट है यह सेम पॉइंट जोड़ दिया गया अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था मिस रिया प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रिसीट ऑफ इनबर्ड सप्लाइज ड्यूरिंग जुलाई received invoice of goods having gst component of 30000 rupees goods were delivered in five lots out of which the first three lots were received in the current month purchase a car having gst component of 150000 rupees for imparting training on driving such motor vehicles avail health insurance services for our employees and paid gst of 7000 rupees thereon health insurance services being provided voluntarily by mistriya and not mandated by any law all the amounts given above are exclusive of taxes wherever applicable further all the supplies referred above are intra state supplies unless specified otherwise conditions necessary for claiming input tax credit have been fulfilled subject to the information given above the opening balance of input tax credit for the relevant, uh, relevant tax period of ms Ria is nil based on the facts of the case scenario given above choose the most appropriate answer to the following questions supply of package made by ms Ria to dhruv traders is a dash and is taxable at gst at dash okay dhruv traders ko kya diya bhai yinne?

कंप्यूट अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट कैन बी क्लेम्ड बाय मिस रिया इन द मंथ ऑफ जुलाई ठीक है तो जुलाई पे कितना आईटीसी ये क्लेम कर सकती हैं आइए देखते हैं आई कितना क्लेम कर सकते हैं ओके okay. तो मिस रिया प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रिसीट ऑफ इनवर्ड सप्लाइज यूरिंग जुलाई

वो स्टेच्यूटरी रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट नहीं थी तो इसलिए इसका भी आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा तो आपको एक लाख पचास हजार रुपए का क्रेडिट मिल जाएगा इन द मंथ ऑफ़ जुलाई ऑप्शन सी इज योर आंसर समझ में आ गया ठीक है डन फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए मैं पानी पी लेता हूं आओ ट्वेंटी थ्री की आर टीपी का सवाल ये करते हैं हम लोग मानवता ट्रस्ट इज अ चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन ट्वेल्व इनकम टैक्स एक्ट ओके। द ट्रस्ट इज वेल नोन फॉर इट्स एजुकेशनल चैरिटेबल एंड वििलेजियस एक्टिवीज द ट्रस्ट बिकेम the टू रजिस्ट्रेशन अंडर registration and फाइनेंशियल सिंस इट registered एंड the state of इन स्टेट ऑफ गुजरात ऑफ May.

Manavta Trust owns a higher secondary school, Manavta Higher Secondary School in Gujarat. In the month of July, the trust availed security personnel services from Perfect Security Solutions, Gujarat, a proprietorship concern, for security of the school premises for a consideration of 2, $2 lakh also, it also rupees. It also received legal consultancy services from Maya and Company, a firm of advocates, for the issues relating to the said school for 1 lakh 20,000 rupees in the same month. Manapta Trust Furnish the following information regarding the expenses incurred by it in the month of August. All transactions being interstate. Services received and used for supplying taxable outward supplies: three lakh Catering services received from students of Man of the Highest uh, Secondary School: two lakh rupees. Buses purchased with seating capacity of twenty-five percent, including the driver, ten rupees. Buses were delivered in the first week of September. Manapta Trust provided the following information in respect of the services provided by during the month of August. It runs an old age home for senior citizens. Nominal monthly charges of 15,000 rupees for boarding, lodging, and maintenance are charged from each member. Total number of members is 20. It rents out a community hall situated within the precincts of a temple managed by it on 15th of August for a religious function in the first half for 5,000 rupees and for an art exhibition in the second half for 6,000 rupees. It rents out rooms in the precincts of the said temple to the devotees for rent of Rs. 950 rupees per room per day. Total rent collected in August amounts to 35,000 rupees. All the figures given above are exclusive of taxes wherever applicable. Aggregate turnover of Manavta Trust for the preceding financial year was Rs. 15 lakh rupees. All the conditions necessary for availing the ITC were fulfilled subject to the information given. Manavta Trust intends to avail exemption from GST wherever applicable. Based on the information given above, choose the most appropriate answer to the following questions. Which of the following activities of Manavta Trust does not amount to supply under GST law? ठीक है, इनमें से कौन सा supply नहीं माना जाएगा? Free laptops distributed to the needy students, ये तो नहीं ही है। ठीक है, boarding, lodging and maintenance of senior citizens by old age home run by trust, ये supply है, पर exempt है। Exempt क्यों है? क्योंकि ये कितना charge कर रहे हैं? ये charge कर रहे हैं पंद्रह हजार रुपए। ठीक पच्चीस हजार तक चार्ज कर सकते हो एग्जेक्ट है राइट right? सप्लाई है राइट right? क्वेश्चन ने क्या पूछा है? ऑफ़ द फॉलोइंग एक्टिविटीज डज टू सप्लाई ही नहीं है, right? तो जो है क्योंकि यहाँ पर लैपिडरेशन नहीं है तो अगर, तो अगर तो right? यहां पर रेंटिंग ऑफ कम्युनिटी हॉल सिचुएटेड विद्रीसिंग ऑफ टेंड बाई दस्ट सप्लाई है

ठीक है सप्लाई तो है यहां पर पूछा है डज नॉट अमाउंट टू सप्लाई तो ऑप्शन ए विल बी योर आंसर कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज टैक्स पेबल बाई मानवता ट्रस्ट अंडर रिवर्स चार्ज फॉर द मंथ ऑफ जुलाई रिवर्स चार्ज में आपको किस किस पर वो करना होगा जीएसटी पे करना होगा ठीक है आओ देखते हैं मानवता ट्रस्ट फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय इट इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट सर्विसेज रिसीव्ड एंड यूज्ड फॉर सप्लाइंग टैक्सेबल सर्विसेज सर्विसेज ये हो गया केटरिंग रिसीव्ड फॉर स्टूडेंट्स ऑफ मानवता हायर स्कूल दो लाख रुपए इस पर रिवर्स चार्ज में थोड़ी लगेगा और वैसे भी केटरिंग सर्विसेज ये तो सर्विसमट ही है बसेस परचेज विद सीटिंग कैपेसिटी इस पर भी रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा कुछ और भी है क्या कुछ और भी है क्या रिवर्स चार्ज वाली चीज अच्छा ये भी तो है मानवता ट्रस्ट ओन्सायर सेकेंडरी स्कूल मानवता हायर सेकेंडरी स्कूल इन गुजरात इन द मंथ ऑफ जुलाई दस्ट अवेल्ड सिक्योरिटी सोल्यूशन ठीक है टैक्सेबल होती है लेकिन अगर आप स्कूल को सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करते हो तो ये एक्सेंट होती है ठीक है तो यहां पर मानवता ट्रस्ट का एक स्कूल है मानवता हायर सेकेंडरी स्कूल यह स्कूल ले रहा है सिक्योरिटी सर्विसेज तो अगर सिक्योरिटी सर्विसेज स्कूल को दी जा रही हैं तो यह सर्विस तो एक्सम्ड है मैं अगर सिक्योरिटी सर्विसेज लूंगा बिजनेस एंटिटी अगर सिक्योरिटी सर्विसेज लेगी तो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल होगी लेकिन यहां पर सिक्योरिटी सर्विसेज कौन ले रहा है स्कूल ले रहा है तो स्कूल अगर सिक्योरिटी सर्विसेज लेता है तो इस पर जीएसटी लगता ही नहीं ओके तो कोई रिवर्स चार्ज नहीं आएगा यह हो गया

ये तो वैसे भी चैरिटेबल है ठीक है तो ये चैरिटेबल ट्रस्ट है चैरिटेबल स्कूल uh, है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अगर लीगल सर्विसेज मिल रही है तो ये कंप्लीटली आपकी एग्जेम्ट हो जाती है ठीक है ये कंप्लीटली आपकी एग्जेप्ट हो जाती है राइट right? तो रिवर्स uh, चार्ज में कुछ भी नहीं देना इनको नील हो जाएगा इसका आंसर

तीन लाख रुपए एग्जाम हो गया इट इट रेंट्स आउट अ कम्युनिटी हॉल सिचुएटेड फिफ्टींथ ऑगस्ट को इसने दिया फर्स्ट हाफ में रिलीजियस फंक्शन आया पांच हजार रुपए चार्ज किया और सेकेंड हाफ में आर्ट एग्जीबिशन आया उसमें छह हजार चार्ज किया देखो एग्जामिशन के लिए ना एकदम क्लियर रूल है कि आपको रिलीजियस एक्टिविटी के लिए करना चाहिए और एक दिन में दस से ज्यादा का चार्ज नहीं होना चाहिए या आपका आधे दिन रिलीजियस एक्टिविटी और आधे दिन वो सब हो रहा है और एक दिन का चार्ज आपका दस हजार को क्रॉस भी कर रहा है ये कहीं से भी एक्जेंट नहीं होगा ठीक है किसी के मन में आ सकता है कि सर लेकिन आधे दिन के लिए तो पांच हजार रुपए ही लिया गया है रिलीजियस एक्टिविटी के लिए तो उसका पांच हजार एग्जेम्ट कर दो नहीं ठीक है लॉ इज एकदम क्लियर एक दिन का दस हजार से ज्यादा का किराया नहीं होना चाहिए और जो भी रेंटिंग आउट है वो रिलीजियस पर्पज के लिए ही रेंटिंग आउट होनी चाहिए

manapta trust furnished the following information regarding the expenses incurred by it in the month of august services received and used for supplying taxable outward supplies ठीक है तो इन सर्विसेज पर 18% का जो जीएसटी आपने पे किया होगा क्या वो उसका आपको आईटीसी मिलेगा ऑफ कोर्स उसका आपको आईटीसी मिलेगा 350000 का 18% इसका आईटीसी मिलेगा ठीक है 63000 ये हो गया केटरिंग सर्विसेज रिसीव्ड फॉर स्टूडेंट्स ऑफ मानपता हायर सेकेंडरी स्कूल ये तो एग्जम्प्ट है ठीक है ये आपका एग्जम्प्ट है तो इस पर भले ही आपने जीएसटी दिया है लेकिन आप इसका क्रेडिट नहीं ले सकते क्योंकि ये है वैसे जीएसटी दिया भी नहीं होगा क्योंकि ये ही है। है? ये सप्लाई सप्लाई ही ही है 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 ठीक बसेस परचेज विद सीटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर टेन लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज बसेज वर डिलीवर्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेंबर बसेस कब डिलीवर हुई है सेप्टेंबर में डिलीवर हुई है ठीक है बसेस कब डिलीवर हुई है बसेस सेप्टेंबर में डिलीवर हुई हैं तो ये जो बसेस हैं

ठीक है अब एक काम करो शाम को मिलते हैं आज के लिए इतना काफी हो गया मतलब अभी फिलहाल के लिए इतना काफी हो गया डेढ़ घंटा हो चुका है एंड हम लोग शाम को मिलते हैं छह बजे और फिर बाकी के, के केसेस को हम लोग तब कंटिन्यू करेंगे ठीक है आई होप यू गैस एंजॉयड दिस सेशन वीडियो को लाइक कर देना और कॉन्फिडेंस भी आप लोगों का काफी बढ़ गया होगा और पीडीएफ uh, तो आप लोगों के पास है ही आप लोग चाहो तो उसको डाउनलोड करके देख सकते हो और uh, खुद से एक बार कोशिश कर सकते हो बाकी शाम को तो मैं आप लोगों के साथ मिलूंगा ठीक है थैंक यू सो मच एवरीवन टेक केयर अपना ध्यान रखो बाय बाय